जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन निकल चुके हैं, रामनवमी हो चुकी है, दशमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। सोमवार के दिन जो दशमी तिथि पड़ रही है, उस दिन आप ये छोटा सा उपाय करते हैं। आप यदि ये सामग्री अपने भोजन में, अपने खाने में उपयोग में लेते हैं, आप मानकर चलिए आप पर रामचंद्र जी की पूरी कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा होती है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है तिथि। यदि दशहरे के दिन, दशहरा ही माना जाता है, जो चैत्र के नवरात्रि समाप्त होने के बाद दसवीं तिथि आती है, उसे दशहरा ही कहा जाता है। यदि इस दिन देशी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता यदि राम मंदिर में चढ़ाया जाए, चढ़ाना ही चाहिए, अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और हर तरह के कष्ट दूर होते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है, बहुत ही अधिक पॉजिटिविटी लाता है। दोस्तों, रामनवमी के दिन आप सभी ने रामचंद्र जी की पूजन की होगी, राम जन्मोत्सव मनाया होगा, लेकिन उसके दूसरे दिन अपने जीवन में यदि सकारात्मकता चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो आप ये छोटे छोटे उपाय कर अपने जीवन को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप दसवीं तिथि को, जो दशहरे की तिथि पड़ रही है, 11 अप्रैल, 11 अप्रैल के दिन आप घर के, अपने घर के ईशान कोण में, यानी पूर्व उत्तर वाले कोने पर चंदन, कुमकुम और लाल पुष्प से अष्टदल कमल की जो आकृति होती है वह बनाएं, बहुत ही शुभ होती है माना जाता है। इसके बाद आप एक घी का दीपक वहां प्रज्वलित करें, शाम के समय बहुत ही सकारात्मक माहौल आपके घर का हो जाता है। और जो दशमी तिथि है, सोमवार को पड़ रही है, दशमी तिथि को वैसे भी शमी के वृक्ष की पूजन और उसके नीचे दीपक लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और सोमवार को जो दशमी तिथि पड़ रही है दोस्तों, उस दिन आपको महादेव पर, शिवालय जाएं और कुछ शमी के पत्ते अवश्य महादेव को समर्पित करें। इससे जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं, आप जो भी विनती महादेव के समक्ष करेंगे, आपकी वह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आप शमी के वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य लगाएं, क्योंकि शनिवार को जो शमी के वृक्ष के नीचे दीपक लगाया जाता है वह तेल का लगाया जाता है, लेकिन दशमी तिथि को जो आप शमी के वृक्ष के नीचे दीपक लगाएंगे वह आपको घी का दीपक लगाना है। इसका बहुत ही महत्व है। आज के दिन यदि शमी के वृक्ष के नीचे आप दीपक लगाकर जो भी अपने मन की मनोकामना करते हैं अवश्य पूर्ण होती है। वो महादेव पर आप शमी के कुछ पत्ते चढ़ाना ना भूलें, और शमी के पेड़ की जड़ की जो थोड़ी सी मिट्टी आप दीपक लगाते हैं, शाम के समय ही थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने पूजन स्थल पर रखें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि, सौभाग्य, धन, लक्ष्मी सभी आते हैं। शमी के वृक्ष के नीचे वैसे भी कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास होता है। जब वहाँ से आप मिट्टी उठाकर अपने घर में लाकर रखते हैं, अपने पूजन स्थल पर रखते हैं, आपके घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। दशहरे के दिन जो दशमी तिथि सोमवार को पड़ रही है, आप भोलेनाथ पर चंदन, लाल चंदन समर्पित करें और अपने मस्तक पर उसी चंदन से, जो महादेव पर आप चंदन से त्रिपुण बनाएं और उसी चंदन को अपने मस्तक पर, अपने गले पर लगाएं और महादेव से विनती करें कि जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं महादेव हर लें। आप देखना आपके जीवन में कष्ट ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आज के दिन चंदन समर्पित करने का एक अलग ही महत्व है। और बहुत ही अच्छा संयोग है कि यह सोमवार को पड़ रहा है, जो दशमी तिथि सोमवार को पड़ रही है। राम जो स्वयं भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं, आप यदि बिल पत्र चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, और किसी भी समय समर्पित कर सकते हैं, आप शाम के समय भी समर्पित कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा महत्व प्रदोष काल का ही माना जाता है महादेव की पूजन का। आप चंदन से बिल पत्र पर राम लिखें और भोलेनाथ को समर्पित, चाहे एक ही बिल पत्र चढ़ाएं, लेकिन राम लिखकर चंदन से राम लिखें और समर्पित करें, आपके जीवन के सारे कष्ट भोलेनाथ स्वयं हर लेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सोमवार और जो दशमी तिथि साथ में पड़ रही है, आज के दिन एक
विशेष और भी ध्यान रखें, भोलेनाथ को पान का बीड़ा अवश्य समर्पित करें, यह भी आपको प्रदोष काल में ही करना है। आप दो बीड़े लाएं, एक में आपको चूना नहीं लगवाना है, कत्था, थोड़ा सा नारियल और मीठा कुछ भी, या सिर्फ गुलाब की पंखुड़ी रखकर ही, एक लौंग और इलायची रखकर आप भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, आपके मन की हर इच्छा पूरी होती है। भोलेनाथ आपकी जो लक्ष्मी संबंधी, धन संबंधी, यदि कोई बहुत ही ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं, कारोबार आपका नहीं चल पा रहा है, आप ये पान का बीड़ा जब समर्पित करते हैं भोलेनाथ को, आपके मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। एक बीड़ा जो आपने भोलेनाथ को समर्पित कर दिया, और दूसरा बीड़ा, दशमी तिथि पर पान अवश्य खाना चाहिए। यदि आप अकेले स्वयं भी खाते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उसमें से जिसके लिए भी आप उसे पान खिलाते हैं, उसके जीवन में साल भर तक तो कष्ट नहीं आएंगे। पान के बीड़े खाने का आज का दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप पान का बीड़ा अवश्य खाएं और भोलेनाथ को समर्पित करें, आप देखना आपके जीवन में एक अलग उत्साह आ जाएगा, शुरू हो जाएगा, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगेगी। कर देखें, बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत छोटे छोटे उपाय, जिसमें जो भी आपके लिए लगता है कि आप कर सकते हैं अवश्य कर देखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।